A manufacturing company has an installed capacity of 120,000 units per annum. Per annum, हमारी जो capacity है वो 120,000 units की है. The cost structure of the product manufactured is as under. Variable cost per unit. Material 8 rupees per unit. Labor 8 rupees per unit, but it is given subject to minimum of rupees 56,000 per month. फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपीज़ पर यूनिट. ये तीनों जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं ये वेरिएबल है. सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज़ 48,000 पर एनम एट 60% कैपेसिटी विच इंक्रीज बाय रुपीज़ 6,000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर द ईयर एज ए होल. फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 168,750 पर एनम. Capacity utilization for the next year is estimated at 60% for 2 months, 75% for 6 months and 80% for the remaining part of the year. If the company is planning to have a profit of 25% on the selling price, calculate the selling price per unit. देखिए सबसे पहले तो हम calculate करते हैं कि हम पूरे एक साल में कितना production करेंगे. तो first 2 month हम कैपेसिटी का 60% यूज करेंगे. तो टोटल प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट फर्स्ट 2 month हमारी कैपेसिटी है 120,000 यूनिट्स पर एनम मल्टीप्लाई बाय 60% और ऐसा हम पहले 2 month करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2/12 120,000 मल्टीप्लाई बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 2/12 फर्स्ट 2 month 12,000 यूनिट्स नेक्स्ट सिक्स मंथ हम कैपेसिटी का 75% यूज करेंगे तो 120,000 मल्टीप्लाई बाय 75% मल्टीप्लाई बाय 6/12 45,000 नेक्स्ट 6 month हम 45,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल करेंगे. लास्ट 4 month हम कैपेसिटी का 80% यूज करेंगे 120,000 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 4/12 32,000 यूनिट्स. तो पर एनम 12,000 45,000 एंड 32,000 89,000 यूनिट का प्रोडक्शन और सेल होगा. सेकंड पॉइंट यहां पर जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो लेबर कॉस्ट में दिक्कत आएगी. फर्स्ट 2 month नेक्स्ट 6 month एंड लास्ट 4 month लेबर की कैलकुलेशन हमें आउटपुट बेसिस पे भी करनी होगी और टाइम बेसिस पे भी करनी होगी. जो ज्यादा होगी वो देंगे. मतलब कैसे? फर्स्ट 2 month हम 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और लेबर की कॉस्ट दे रखी है 8 रुपीज पर यूनिट. तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 96,000 फर्स्ट 2 month अगर मैं आउटपुट बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं लेबर कॉस्ट को 12,000 यूनिट्स पर यूनिट 8 रुपीज. बट अगर मैं टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करता हूं जो कि यहां दे रखा है सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ रुपीज 56,000 पर मंथ. 56,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 2 month ये होते हैं 112,000. मतलब पहले 2 महीने की लेबर कॉस्ट को मैंने आउटपुट बेसिस पे भी कैलकुलेट किया विच इज 96,000 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8 और मैंने टाइम बेसिस पे भी निकाला 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 112,000. ये मिनिमम 56,000 पर मंथ का मतलब ये हुआ कि आउटपुट बेसिस और टाइम बेसिस में से जो ज़्यादा होगी वो देंगे.
अब यहाँ ज़्यादा कौन सी है, 1,12,000। तो पहले 2 महीने की जो वेजेज होगी वो 1,12,000 रुपीज़ होगी, मतलब जो ज़्यादा होगी वो देंगे। सेम ऐसी तरह से नेक्स्ट 6 मंथ यूनिट्स कितनी है, 45,000 पर यूनिट 8। अमाउंट होता है यूनिट बेसिस पे, आउटपुट बेसिस पे 3,60,000, 45,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8। बट अगर मैं टाइम बेसिस पे देखूँ तो 56,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, इट इज़ 3,36,000। ज़्यादा कौन सी है, इस बार आउटपुट बेसिस वाली ज़्यादा है, तो नेक्स्ट 6 मंथ में जो वेजेस देंगे वो 3,60,000 देंगे। लास्ट 4 मंथ में यूनिट्स है 32,000 मल्टीप्लाई बाय 8, आउटपुट बेसिस पे 256, और टाइम बेसिस पे 56,000 इंटू 4, इट इज़ 2,24,000। ज़्यादा कौन सी है, 256 ज़्यादा है तो हम उसको 256 देंगे। एक और पॉइंट है सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में यहाँ दे रखा है कि ये 48,000 रुपीज़ लगते हैं, सेकंड पॉइंट में दे रखा है सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 48,000 अप टू 60% कैपेसिटी, अप टू 60% कैपेसिटी इट इज 48,000 पर एनम। अबो 62, फिर यहां दे रखा है कि 60% से ऊपर हर 10% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ये 6,000 इंक्रीज हो जाता है, विच इंक्रीज बाय 6,000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी। मतलब 60 to 70% कैपेसिटी तक इसका अमाउंट 6,000 बढ़कर 54,000 पर एनम हो जाएगा। 48,000 पर एनम से बढ़कर ये 54,000 पर एनम हो जाएगा, 70% to 80% कैपेसिटी। फिर अगेन नेक्स्ट 10% कैपेसिटी पर ये 6,000 और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 60,000 पर एनम। 80% to 90% कैपेसिटी पर ये और 6,000 बढ़कर 66,000 पर एनम हो जाएगा, और 90% to 100% कैपेसिटी पर ये फिर 6,000 बढ़कर 72,000 पर एनम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी कॉस्ट शीट। यहाँ जो कॉस्ट शीट बनेगी वो जो पूरे साल भर की कॉस्ट शीट बननी है वो इस तरह से बनेगी, फर्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 4 मंथ्स। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट हमें यहाँ दे रखी है 8 रुपीज़। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 8, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट हमें 8 दे रखी है, और ये वेरिएबल है, मतलब जितने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8। तो फर्स्ट 2 मंथ में यूनिट बनाएंगे 12,000, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 96,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8। नेक्स्ट 6 मंथ में यूनिट्स बनेगी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 3,60,000। लास्ट 4 मंथ में यूनिट्स बनेगी 32,000, 32,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 2,56,000। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हम ऑलरेडी वर्किंग नोट नंबर सेकंड में कैलकुलेट कर चुके हैं। फर्स्ट 2 मंथ की लेबर कॉस्ट 1,12,000, नेक्स्ट 6 मंथ की लेबर कॉस्ट 3,60,000, और लास्ट 4 मंथ की 2,56,000। आउटपुट बेसिस और टाइम बेसिस से जो ज़्यादा होगी ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 96,000 प्लस 1,12,000, इट इज़ 2,08,000। 3,60,000 प्लस 3,60,000,
7,20,000, 2,56,000 प्लस 2,56,000, 5,12,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड में भी यहाँ पर एक हमें दे रखा है वेरिएबल, एक हमें दे रखा है सेमी वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल दिया हुआ है 3 रुपीज़ पर यूनिट। तो जितने यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, पहले 2 महीने में यूनिट्स होगी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 36,000, फिर 45,000 यूनिट नेक्स्ट 6 मंथ मल्टीप्लाई बाय 3, 1,35,000। लास्ट 4 मंथ में हमारी यूनिट्स होगी 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 96,000। सेमी वेरिएबल, पहले 2 महीने हम कैपेसिटी यूज कर रहे हैं ओनली 60%, पहले 2 महीने 60%, तो वहां पर एक्सपेंडिचर होगा 48,000 पर एनम, 48,000 पर एनम। तो 2 महीने का कितना होगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 8,000। नेक्स्ट 6 मंथ में हमने कैपेसिटी यूज की है 75%, 75% का मतलब हो गया कि हम इस कैटेगरी में 70 to 80 इस कैटेगरी में, और इस कैपेसिटी के कैटेगरी में एक्सपेंडिचर लगता है 60,000 पर एनम, 60,000 पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 महीने का 30,000। लास्ट 4 मंथ में हमने कैपेसिटी यूज किए 80%, 80% कैपेसिटी का मतलब यहीं पे है, ये 70 to 80 का मतलब है 80 इसी में इंक्लूड है, 80 इसी में इंक्लूड है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 20,000। ये दोनों हमारे फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, इसके मतलब इससे आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। कोई भी WIP का स्टॉक यहाँ पर नहीं है। तो 2,08,000 प्लस 36,000 प्लस 8,000, इट इज 2,52,000, 7,20,000, 1,35,000 एंड 30,000, इट इज 8,85,000, 5,12,000, 96,000 एंड 20,000, 6,28,000। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम ये एज्यूम करेंगे कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहाँ दे रखा है फिक्स, ये फिक्स्ड है 168,750 एक साल का है, 168,750 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मंथ का होगा 28,125, फिर 6 मंथ का 84,375, फिर 4 मंथ का 56,250। अच्छा, यहाँ पर कोई भी तरह का स्टॉक नहीं है और यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी नहीं है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें डायरेक्टली मिल गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स फर्स्ट 2 मंथ में हमारी टोटल कॉस्ट 2,52,000 प्लस 28,125, 2,80,125, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में 8,85,000 प्लस 84,375, इट इज 9,69,375। लास्ट 4 मंथ में 6,28,000 प्लस 56,250, 6,84,250 टोटल कॉस्ट पर एनम। अगर मैं ये सारी कॉस्ट को ऐड कर दूं, 280,125 प्लस 969,375 प्लस 684,250, तो मेरी एक साल की कॉस्ट आ जाएगी 280,125 प्लस 969,375 प्लस 684,250, टोटल कॉस्ट 19,33,750। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट हमें रिक्वायर्ड है सेलिंग प्राइस का 25%।
तो पहले हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं 19,33,750, और हमारी जो पर एनम यूनिट है वो है 89,000। हम इसमें 89,000 का डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 89,000, इट इज 21.7275, इट इज कॉस्ट पर यूनिट। अब हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। देखो, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों आते हैं। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? सेलिंग प्राइस का 25%। यहाँ दे रखा है कि जो प्रॉफिट होना चाहिए वो सेलिंग प्राइस का 25% होना चाहिए। इट मीन्स कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 21.7275। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू 21.7275 डिवाइडेड बाय 75%, इट इज 28.97।